किया था कि मैं आपको सियालकोट से दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस दिखाऊंगी। पिछली वीडियो में मैं आपको क्रिकेट बैट बनने का कंप्लीट प्रोसेस दिखा चुकी हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्रिकेट बॉल कैसे बनता है, लेदर की कटाई और सिलाई से लेकर फाइनल शेप लेने तक एक बॉल ढेर सारे मरहाइल से गुजरता है। वो मरहाइल कौन कौन से हैं? एक बॉल का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, एक बॉल कितने ग्राम का तैयार होना चाहिए, कौन सा बॉल इंटरनेशनल क्रिकेट को कबूल होता है और कौन सा रिजेक्ट कर दिया जाता है, ये सब बातें आप जानेंगे इस वीडियो में। क्रिकेट बॉल बनने के अमल का आगाज होता है लेदर के चार टुकड़ों की सिलाई से। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप से। तो अंकल आप बताएं यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ स्टिचिंग की सिलाई हो रही है और स्टिचिंग करते हैं और इसको हम अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो ये लेदर है जिसको आप सिलाई करते हैं? जी हाँ, ये लेदर है, इसको हम सिलाई करते हैं। तो व्हाइट बॉल के लिए व्हाइट यूज होता है और रेड बॉल के लिए रेड? हाँ जी, रेड के लिए रेड, ये व्हाइट है, व्हाइट करते हैं और ये रेड है। ये आप कैसे करते हैं? ये फोर पीस बॉल है, चार पीस होते हैं इसके और चार पीस को हम सिलाई करते हैं और फोर पीस बॉल तैयार हो जाता है। पहले इसकी सुराख करते हैं और फिर इसकी चिड़ाई करते हैं। तो आप हमें ये करके दिखाएं? ये देखें, हम कर रहे हैं सिलाई इसकी, ये सिलाई हो रही है। लेदर के चार पीस कटने के बाद पहले मोहल्ले में सिलाई हो रही है। तो आपको आगे लेके चलते हैं और अब दिखाते हैं कि आगे क्या हो रहा है। सिलाई होने के बाद ये चीज तैयार हुई थी जो इस वक्त में मेरे हाथ में है, तो आप हमें बताएं इसका क्या बनेगा? इसमें हीट रखिए जितनी इसको चाहिए उसके मुताबिक। अब इसको हम इसके अंदर लगाएंगे, प्रेस करेंगे तो गेंद की शक्ल बनेगी। ये सर इसकी शेप बन गई है, इसको हम फोर पीस ही कहते हैं, फोर पीस। बॉल तैयार हो जाएगा, बॉल बन जाएगा और इसको कहते हैं फोर पीस है ये। इसकी क्वालिटी की बना रहे हैं हम, क्वालिटी जब ये तैयार होता है ना, इसकी क्वालिटी की, अभी ये क्वालिटी इसकी तैयार हो रही है। वाओ, बॉल अपनी थोड़ी थोड़ी शेप ले रहा है। इस मशीन पर ये शेप इस शेप में तब्दील हो गई। इसके बाद लेदर के दो गोल कप्स के अंदरूनी हिस्सों पर लेमिनेशन के लिए दूसरी मशीन पर लाया जाता है। अब ये शेप थी, अब देखते हैं इससे क्या होता है। और इसको जो ना जो जो डाई है ना, इसमें देखिए, देखो ये हम इसको ऐसे करेंगे, ठीक है, और जो जो दूसरा बार है ना इसका भी ऐसे करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो हम जो ना उसको इनको पकड़ेंगे, ये जो डांगे पे लगाएंगे इस तरह से, ये देखो पहले जो लगे ना उसको निकाल लेंगे इस तरह से, ये देखो, ठीक है, और ये है ना जैसे इस तरह को लगा देना इसको, ठीक है।
ये भी जो है ना इसे भी इस तरह से करना, हर दफ़ा क्या होता है कि इस तरह हम इससे निकाल लेते हैं। ठीक है, ये जो है ना ये बिल्कुल सादा था ना, इसके ऊपर लैमिनेशन किया। ठीक है, देखिए नरम लेदर अब लेमिनेशन के बाद हार्ड हो गया और मजबूत भी। लेमिनेशन के बाद इजाफी प्लास्टिक को ट्रिमिंग के लिए एक और मशीन पर लाया जाता है। लेमिनेशन के बाद की ट्रिमिंग होनी है, ये देखो इस तरह से रखना। ठीक है, और उसके बाद ये चीज़ ना इस तरह से करना। ठीक है, ये बटन लगा हुआ है, इसे ऐसे ऑन करना तो इसे ना ऐसे चला देना। ठीक है, फिर इसे ऐसे करना, ये बाल है। ठीक है, ट्रेनिंग के बाद ये बाल है, और इसके बाद ये दूसरा है, इसके बाल होना, फिर इसे ऐसे करना, ऐसे रखना और ऑन करना बटन, और इसे ऐसे करना। ठीक है, लैमिंग के बाद ये शेप है इसमें। अगर लैमिनेशन के बाद ये है, ये जो हमारा बाल है ये 13 वाला बाल है, बिल्कुल स्मॉल छोटा, बिल्कुल इस तरह, तो इस तरह रखना है, बिल्कुल खाली है, ये ना कुछ भी नहीं है इसमें। इस तरह से ऐसे ऐसे चलाना, जब दो कप मुकम्मल तैयार हो गए, फिर इनके साइज के मुताबिक इनका सेंटर ढूंढा जाता है। ये मरहला इस लिहाज से अहम है कि यहीं पर बॉल के मतलूबा वजन का तायुन होता है। बॉल का वजन कम रह जाए या ज्यादा हो जाए, दोनों सूरतों में इसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। बॉल का वजन कितना होना चाहिए ये हमने पूछा वजन करने वाले मशीन पर खड़े एक कारीगर से। ये दो कप में, ठीक है, इसे अच्छी तरह से चेक करके पूरी तरह से फिर इसका वेट एडजस्ट करना है। ठीक है, इसे फिर इसका सेंटर में रखना है इसमें। ठीक है, फिर इसको चेक करके अच्छी तरह से, फिर इसको पूरी तरह से चेक करके फिर इसको इधर रख देना है ताकि बाहर सीमर आए और आके ले जाएँ इसे। ठीक है, इसे सीमर स्टिचिंग करने के लिए। ठीक है, फिर बाहर चला जाएगा, बाहर से जाके फिर इसे स्टिचिंग होगी। ठीक है, सीमर इससे चेक करेंगे। कितना वेट होना चाहिए इसका? इसका 156 से ले, ठीक है, आइडियल वेट जो है इसका 156। और इसका कोई खास साइज भी होता है? हाँ, इसका साइज होता है 142 वाला बाल भी होता है। ठीक है, 156 वाला बाल भी होता है। बनाने के अमल का सबसे अहम मरहला, इसे कहते हैं सीमिंग। अच्छी या खराब सीमिंग से बॉल और बॉलर की परफॉर्मेंस सही या खराब हो सकती है। सीम सही ना हो तो खेल मुतासर हो सकता है, इसीलिए एक माहिर कारीगर को इस काम पर लगाया जाता है। इसको हम सीमिंग बोलते हैं। ठीक है, ये एक स्पेशल फिक्सर होता है, नीचे स्क्रू की मदद से जो है ना ये आपस में एक दूसरे ऐसे चलता है, ट्रांसवर्स चलता है। इसमें स्पेशल किस्म के फिक्सर होते हैं, डाइज कह लें, वैसे नॉर्मल इनको हम लैंग्वेज में बोलते हैं जोड़ा बोलते हैं। इसमें बॉल को ये फिक्स करके इस तरीके से जिस तरह ये कर रहा है, ये नीडल्स की मदद से इसमें होल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद इसको ये स्टिच कर रहा है। ये सीमिंग का प्रोसेस है। इसके बाद जो है ना दो तीन प्रोसेस हैं जिसको हम आगे फिनिशिंग में लेके जाते हैं या बॉल को, और ये हैंड स्टिच बॉल है। जब बॉल की हाथ से सिलाई मुकम्मल हो जाती है तो इसकी सीम पर एक उभार पैदा हो जाता है, जिसे खत्म करने के लिए इसे दो मरहल से गुजारा जाता है, जिसे फर्स्ट शेपिंग और सेकंड शेपिंग कहा जाता है। अब यहाँ
यहाँ पर इस मशीन में क्या हो रहा है? फर्स्ट चैपिंग गलाई का कर रहे हैं, ठीक है, गलाई ये कर रहे हैं इसको कंप्लीट। ये फर्स्ट चैपिंग है, बाद में दूसरी गलाई इसकी इस तरह की। फर्स्ट चैपिंग ये है कि पहले बाल ऐसे होते हैं, बाद में स्ट्रेच बाल ऐसे हो जाते हैं। ये अभी ठीक बाल है, बेस्ट है। इसकी फर्स्ट शेपिंग हो गई है, अब आपको ये दिखाते हैं इसकी सेकंड शेपिंग कैसे होती है। ये अंदर से गुलाई होती है, इस बाल को जो है ना इसको ऐसे लगाते हैं, फिर इसको ऊपर से लगाते हैं, फिर इसको दबा देते हैं, फिर जो है ना शेपिंग ठीक हो जाती है। ठीक है, एक और लगा के दिखा देता हूँ। ये देखो, ये ऐसे करके ना फिर इसको ऐसे कर देते हैं, फिर ऐसे, फिर इसको फिर ऐसे तोड़ के फिर इसका जो है ना चेंज कर, ठीक, फिर इसको ऐसे, बस ये। ये जो है ना ऐसी शेपिंग मुकम्मल हो गई, ठीक, यही है बस। बॉल तैयार है, आखिर में चेक किया जाता है कि बॉल का साइज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है या नहीं। इसके लिए इसे एक मखसूस सांचे से गुजार के देखा जाता है। अगर बॉल इसमें से गुजर रहा हो तो फिर ये किसी भी इंटरनेशनल मैच के लिए काबिले कबूल होगा, वरना नहीं। आपका बॉल कहाँ कहाँ जाता है? हमारा बॉल ऑल ओवर द वर्ल्ड इस टाइम यूज़ हो रहा है। इसमें जो हमारा हैंड स्टिच बॉल है वो इंग्लैंड में जा रहा है, यूरोप वाली साइड पे जा रहा है, और जो मशीन स्टिच बॉल है वो जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में जा रहा है, न्यूजीलैंड में जा रहा है, कनाडा में जा रहा है, यूएस की लीग्स हैं उधर खेला जा रहा है। आईसीसी का कौन सा सबसे बड़ा इवेंट खेला गया आपकी बॉल? लास्ट ईयर में एक टूर्नामेंट हुआ था जी इधर स्विट्जरलैंड में, आइस क्रिकेट के नाम से, स्विट्जरलैंड में बर्फ़ के ऊपर वो खेला गया था, इसके ऊपर उन्होंने एक पिच बनाई थी और उसके ऊपर हमारा बॉल यूज़ हुआ था, पिंक बॉल, जो स्पार्टन एक ब्रांड है, ऑस्ट्रेलियन ब्रांड है स्पार्टन, उसकी स्टैम्प से हमने बॉल ही वो यूज़ किया था और हमारा बॉल था, हमने मैन्युफैक्चर किया था। ये लास्ट ईयर में जो हमारा सबसे बड़ा जो टूर्नामेंट हुआ है उसके साथ हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान में जो ज़्यादा मेनली कायद अजम ट्रॉफी है, जो इधर फोर डे टूर्नामेंट होता है, सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है वो खेला जाता है हमारे बॉल से, और अंडर 19 है, NCA में हमारा बॉल यूज़ होता है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन है DCAs में बॉल हमारा यूज़ होता है। तो ये पाकिस्तान में है, तो बाकी लीग्स हैं, यूरोप में लीग्स हैं, इंग्लैंड में लीग्स हैं, जो ग्रे निकल्स आगे जिसके हम अपना इधर मैनुफैक्चरर हैं इधर पाकिस्तान में, वो ससेक्स लीग है, एसेक्स लीग्स है, इस तरह मुख्तलिफ लीग्स हैं जो उधर यूज़ कर रही हैं हमारा बॉल यूज़ कर रही है। एक बॉल मार्केट में कितने का बिकता है? ये मुख्तलिफ प्राइसेस हैं, इसमें अगर आप लोकली चेक करें तो तकरीबन 4,000-5,000 से लेके नीचे 500-600 तक इसकी रेंज है, मुख्तलिफ इसमें क्वालिटीज़ वाइज वो आ जाती हैं चीज़ें। और अगर इसमें बायर एक्सपोर्ट की मार्केट है वो ऑब्वियसली जिस कंट्री में जाएगा उसकी करेंसी के हिसाब से। तो व्यूअर्स, ये है वो फाइनल बॉल जिससे बॉलर्स बैट्समैन की किलियां उड़ाते हैं।